नवगठित नगर पालिका निगम रिसाली का बजट मंगलवार को महापौर शशि सिन्हा ने मैत्री कुंज स्थित मंगल भवन में प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करने के उपरांत विपक्षी भाजपा पार्षदों ने बजट को लेकर सवाल खड़े किए। इस दौरान महापौर परिषद के सदस्यों के साथ सभी वार्डों के पक्ष और विपक्ष के पार्षद उपस्थित रहे। नगर पालिका निगम रिसाली के अस्तित्व में आने के उपरांत पहली बजट बैठक मंगलवार को सम्पन्न हुई। महापौर शशि सिन्हा गोधन से बने ब्रीफकेस में बजट लेकर महापौर परिषद के सदस्यों और स्थानीय विधायक और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के प्रतिनिधि जितेंद्र साहू के साथ उपस्थित हुई। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के साथ बजट बैठक आरंभ हुई। महापौर शशि सिन्हा ने वर्ष 2022-23 के लिए 110 करोड़ 51 लाख रुपये का बजट तैयार करने की बातें कहीं। बजट प्रस्तुत करने के पूर्व विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र साहू का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। महापौर के बजट पेश करने के उपरांत विपक्ष के पार्षद धर्मेंद्र भगत सहित महिला पार्षदों ने बजट को लेकर सवाल खड़ा किए, जिसका जवाब पक्ष के पार्षदों ने दिया। वहीं सदन में बहुमत होने के कारण बजट कुछ विरोध के बाद पारित कर दिया गया। महापौर शशि सिन्हा ने कुछ इस तरह से बजट प्रस्तुत किया। परिवर्तन योजना, तालाबों का सौंदर्यीकरण 150 लाख,
सुनिश्चित होगी। इस योजना के आने से लोगों को रोजगार का रोजगार प्राप्त होगा। वेट ट्रेनर के लाभ करने वाला प्रदेश का प्रथम नगर पालिका निगम शामिल होगा। अंत में मैं क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मेरी नगर सरकार में सभी को सरल एवं सुलभ प्रशासन मिलेगा। मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी बिजली सफाई के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। वार्ड वार्ड कार्य योजना तैयार कर मुफ्त को प्रदान किया जाएगा। जनता से भी अपेक्षा है कि शहर विकास में पूर्ण सहयोग दे, ना स्वयं अतिक्रमण करे और ना ही दूसरों करने दे। इस वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार का नया कर आम जनता के ऊपर आरोपित नहीं किया गया है। समस्त करों का भुगतान समय अवधि में करे ताकि मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने में व्यवधान ना हो। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी एवं लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय सत्यानंद साहू जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए सुंदर व सुखद विशाली तथा हमर विशाली नवा विशाली बढ़त विशाली और बढ़त विशाली का सपना हम निश्चय से साकार करेंगे। नगर निगम विशाली स्वच्छता में संपूर्ण देश में अग्रणी रहा है। इसे थ्री स्टार शहर का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इसे दो कदम आगे बढ़ते हुए हमें फाइव स्टार नगर का तमगा प्राप्त करने का प्रयास किया ताकि नगर पालिका निगम विशाली एक आदर्श निगम के रूप में स्थापित हो। इसके लिए आम जनता से अनुरोध करती हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करे और शहर को अव्वल बनाने में सहयोग करे। नियम अपेक्षाओं के साथ जय हिंद जय भारत जय सती। सभापति केशव बंछोर ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। रिसाली नवगठित रिसाली नगर निगम का पहला बजट प्रस्तुत किया गया महापौर सम्मानी महापौर श्रीमती शशि सिन्हा जी के द्वारा। जैसे कि सरकार की सोच है क्षेत्र का विशेष विकास करके ये निगम आदरणीय भूपेश बघेल जी आदरणीय कामधर साहू जी द्वारा कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया और जिसका प्रथम बजट आज प्रस्तुत किया गया। सरकार की सोच ही है कि ये क्षेत्र विकास में जो पिछड़ा हुआ है यहाँ अधिक से अधिक कार्य करवाए जाएँ, तो उसी सोच के अनुरूप आज का बजट है और उसी सोच के अनुरूप आगे कार्य होंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जनगणमन करके चर्चा को खत्म कर दिया गया, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। नहीं, लोकतंत्र वाली बात नहीं है। बजट तो हमारा 10 मिनट में पास हो गया था बहुमत के आधार पर। सभी पक्षों को बजट संबंधित कोई सुझाव हो बातें हो तो करने का मौका दिया गया। कई लोगों ने पक्ष से भी और विपक्ष से भी अपनी बातें रखी और इसके पश्चात ये हो रहा था कि लोग समस्याओं पे आ जा रहे थे, विषयांतर हो रहा था, बजट से हट के बात करने लगे थे, तो फिर सभा की समाप्ति की। कोई बड़ी घोषणा बजट में नहीं दिखी। बजट में LPG के सब्सिट्यूट के रूप में नेचुरल गैस की एक बात महापौर जी ने रखी है, एक योजना की PNG पाइप नेचुरल गैस एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा जो कि प्रदेश में सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी बात है। घरों से निकलने वाले किचन वेस्ट और गोबर का उपयोग करके पाइप्ड नेचुरल गैस का घरों में सप्लाई की जाएगी पाइप के माध्यम से। ये बहुत बड़ी योजना है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रिसाली में एक वार्ड विशेष में इसको शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री और स्थानीय विधायक ताम्रध्वज साहू के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। निश्चित तौर पर 2022 के इसके लिए जो बजट आज नगर निगम रिसाली में पहला बजट प्रस्तुत किया गया 110 करोड़ का बजट है, उसमें सभी जो जनता के जो सरकार की मंशा के अनुरूप जो आम जनता के जो सुख सुविधाओं का है, नाली सड़क बिजली पानी और रोजगार की सभी सुविधाओं का लिए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। आने वाला समय में ये बजट आम जनता के लिए, इस क्षेत्र के रिसाली निगम क्षेत्र के लिए, चौमुखी विकास के लोगों के लिए एक लाभदायी सिद्ध साबित होगा और यही मंशा कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल सरकार की मंशा। बजट को लेकर भाजपा पार्षद धर्मेंद्र भगत ने कहा कि बहुमत का दुरुपयोग करते हुए बजट को पास कर दिया गया है। आज जो हमारी महापौर जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने रिसाली निगम की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं। इन सपनों में उन्होंने रिसाली की जनता को मूर्ख बनाया है कि वो बहुत अच्छे अच्छे वादे लेकर आई हैं, बड़ा बड़ा काम करेंगे और जो उन्होंने बहुमत का दुरुपयोग करते हुए उसे पास कर लिया है, इसे लोकतंत्र की हत्या कहना चाहूँगा मैं। इन्होंने बहुमत का दुरुपयोग किया है
ना ही उन्होंने बजट में अपने कुछ यहाँ विकास कार्य के लिए कुछ तथ्य दिए हैं, आय व्यय के विवरण दिए हैं, क्योंकि हमारा रिसाली निगम एक नवजात शिशु की तरह है। यहाँ पे उपस्थित अत्यधिक पार्षद जो है उनकी संख्या ज़्यादा है, जो नए हैं उन्हें उनकी जानकारी मतों की जानकारी किसी भी प्रकार से उनको अवगत नहीं कराया गया, सिर्फ अपना भाषण दिया गया और बहुमत के आधार पर इन्होंने इसे पास कर लिया। इसे लोकतंत्र की हत्या कहना चाहूँगा। बहरहाल रिसाली नगर निगम की बजट बैठक में पत्रकारों को बजट पुस्तिका नहीं उपलब्ध कराई गई। बजट पुस्तिका के लिए अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। बजट बैठक में विपक्षी पार्षद सवाल करते रहे, वहीं सभापति ने बैठक खत्म करने की घोषणा कर दी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।